Hey guys, I'm Prakshit and welcome from Tapovan Rishikesh. हाँ भाई, बहुत ही सुंदर जगह पे खड़े हैं। बालकनी वाला हमने रूम ले लिया था और रूम टूर हम आपको इसलिए नहीं दे पाए, कल यार बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। बाकी भाई साहब वादियों में खड़े हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा सुंदर। वाह देखना यार, मतलब क्लासिक मज़ा आ गया। और अगर हो सका तो आज हम आपको अपना रूम टूर भी दे देंगे और साथ में हम आपको अपना होटल टूर भी दे देंगे। अभी का प्रोग्राम कुछ ऐसा है, हम निकलेंगे देवप्रयाग के लिए। वो यहाँ से है 64 किलोमीटर दूर है, 1 आवर 30 या 40 मिनट्स का रास्ता है। और वैसे थोड़ी थोड़ा सुहावने मौसम के साथ थोड़ी थोड़ी बूंदे गिर रही है बारिश की, लैंडस्लाइड। और हाँ देखो, एक और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, लैंडस्लाइड अभी तक तो कहीं है नहीं, हमने ऑलरेडी पूछ चुके हैं। और बाकी मौसम सुंदर है, सुहावना है, गंदा नहीं है, मतलब तेज़ बारिश नहीं है, बहुत ही मीठी मीठी बारिश आ रही है, अच्छी लग रही है। आपको होटल टूर देने चलते हैं। सबसे पहले ये हमारा कमरा है, हमने थोड़ा सा ख़राब कर रखा है, इसलिए हम बाद में देंगे आपको रूम टूर। और इधर ना ये ऐसे के रूम्स भी है, मतलब नॉर्मली ये सिंगल के लिए है, वो हमारा डबल के लिए था। इसमें एक बालकनी दे रखी है, बेड दे रखा है और बस अलमीरा है, टीवी और एसी भी, एसी सब में लगा हुआ है। बाकी चलो नीचे चलते हैं और इधर की साइड भी। वाह क्लासिक जगह, रुके क्लासिक जगह। She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. Never meant to make you cry, you were right. Just leave me, I'm not. तो यार बस स्टेयर से उतरते ही कुछ ऐसा हुआ है लोकेशन। वाह यार लोकेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर, लोकेशन बहुत ज्यादा सुंदर है, मेरे को तो यार मजा ही आ गया। She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. तो थोड़ी सी आगे चलते हैं और इधर ना रशियंस भी आए हुए हैं बहुत ज्यादा हमारे होटल में रुके हुए हैं। वाह ऊपर देखो जरा पहाड़, वाह कितने सुंदर लगते हैं यार पहाड़, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है उस साइड भी। अगर हम उस साइड जाएंगे तो राम झूला, लक्ष्मण झूला, चोटी वाला वो सब आएगा, गंगा आएगी। और हम अगर इस साइड जाएंगे तो देवप्रयाग आएगा। तो हमें आज बस भाई तैयार हो रहा है और मतलब सारे घर वाले तैयार हो रहे हैं, मम्मी और मैं, ज़्यादा क्रेस्टर था हम दोनों के तो हम दोनों जल्दी तैयार हो गए थे, तो नीचे फ़ोटो खिंचवाने आ गए थे हम दोनों, तो मस्त मस्त फ़ोटो खिंचवा लिए। और ये ग्रीन हिल्स, और आज हम आपको रूम टूर और दे देते हैं। लो वाह ये सारे बैठे ही हैं इधर इधर ये इस टाइप के बेड भी है जैसे अपने यूक्रेन में होते हैं ये एक डबल बेड दे रखा था, इधर पापा बैठे हैं, सब कुछ है भाई साहब, सब कुछ काफी सुंदर रूम था। और सबसे अच्छी चीज इधर की, सबसे अच्छी चीज ये है, देखो भाई साहब बालकनी इतनी बड़ी है ना, इधर बैठ के सुबह सुबह कॉफी पीने का मजा ही अलग आया। इधर से बालकनी व्यू देखो जरा, इधर बाथरूम है, बाथरूम भी अच्छा है। हेलो, और एक बाथरूम इधर है, काफी अच्छा रूम मिल गया था। हाँ और आपको थोड़ा सा प्राइस का भी हिसाब दे दिया जाए, ज़्यादा महंगा रूम नहीं मिला हमें, 4 एडल्ट्स के लिए हमें सिर्फ 2500 रुपये में रूम मिल चुका है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से ना अभी टूरिस्ट बहुत कम आए हुए हैं इधर, ऐसा लग रहा है मुझे। वाह पर भाई साहब लोकेशन बहुत सुंदर लग रही है मतलब सच में।
तो यार अब चल पड़े अपन देवप्रयाग की साइड, गाड़ी में बैठ गए हैं और भाई साहब का मौसम हो रखा है एकदम क्लासिक। ये देखो वाह कितना सुंदर लग रहा है यार, एक नंबर क्लासिक। देखो ये वाले जो व्हाइट व्हाइट कहीं कहीं पैचेस से दिख रहे हैं ना बादलों के, ये ना बारिश वाले बादल है बिल्कुल, थोड़ी देर में इनके अंदर से निकलेंगे। वाह सुंदर लग रहा है वो। तो यार अभी हम ना पटना झरना है एक उधर जा रहे हैं देवप्रयाग के लिए, तो उस झरने के बाद निकलेंगे भाई। लोकेशन इतनी सुंदर है ना, तो अब हो गया लैंडस्लाइड हो रही है। आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है सारी सिनेमैटिक या फिर वादियों की वीडियो बनने वाली है। वादियां देखो रोज एक सी वीडियो बना रखी थी। भाई साहब देखना ये देखना कितने सारे बंदर वो आ गए, डर लग रहे हैं वो आ गए। देखो वॉटरफॉल के लिए तो बहुत ज्यादा भीड़ है। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Me down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. That you're safe and that I will see you soon. Down beside you, I will. Don't say मैं नाच लाके कि ना आपकी मैं ले लूँगा। वो देखना बिल्कुल खड़े मोड़ है। तो यार मेरे को ना ये वीडियो इधर ही एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि वाटरफॉल अगर मैं डालूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं सीन एक भी कट करना नहीं चाहता, क्योंकि इतनी हसीन वादिया का एक भी सीन मैं कट